नमस्कार, चलिए आपकी फॉर्म का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी फॉर्म बताती है? तो आपकी हथेली की सबसे पहले कलर, उसके बाद हथेली की शेप। आपकी हथेली की कलर पिंक कलर है, जो कि बहुत अच्छे स्वास्थ्य और बहुत अच्छे धन के दृष्टिकोण से अच्छी हथेली बोली जाती है। हथेली आपकी बहुत ही अच्छे स्क्वायर शेप में हथेली है, तो ये जातक बहुत ही मेहनती होते हैं। तीनों जोन एक्टिव होता है इन जातकों में। देखिए, पहला जोन भी एक्टिव, ये फिजिकली स्ट्रेंथ, तर्क वितर्क, ये हो गया आपका मेंटली स्ट्रेंथ। तो तीनों जोन जब एक्टिव हो तो ऐसे जातक तीनों कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना, स्क्वायरी हैंड है, तो बहुत ही ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बट अंधविश्वासी नहीं बोला जाता है। ये लोग समाज को कुछ देते हैं, समाज को देने वाली हथेली बोली जाती है, और बहुत ही धार्मिक, शिष्ट, बहुत ही अच्छे नेचर के, ईमानदार नेचर के बताए जाते हैं ऐसे जातक। बहुत ही सच बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं। स्क्वायरी शेप की सबसे हथेली श्रेष्ठ हथेली बोली जाती है। दूसरी चीज, आपकी हथेली अर्थ एलिमेंट की है। जब हथेली आपकी अर्थ एलिमेंट की हो जाती है तो ऐसे जातक की IQ बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, नेचर के करीब रहना इन्हें पसंद आता है। चलिए अब आपकी फिंगर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर। देखिए, गुरु की फिंगर आपकी छोटी है, हल्की। जब छोटी हो जाए तो आपके थोड़ी कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी की कमी आ जाती है, निर्णय क्षमता में थोड़ी कमी आ जाती है। डिसीजन तो आप लेते होंगे, बट हो किसी ना किसी के बात में आके कन्विंस होकर फिर डिसीजन आप चेंज भी कर लेते होंगे, ठीक है। अपने डिसीजन पे अडिग नहीं रह पाते होंगे। और कभी कभी देखा गया है ऐसे जातक अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला किसी ना किसी वजह से हो ही जाते हैं। और उसके बाद देखिए, गुरु की फिंगर जब छोटी हो जाती है तो परिवार का सुख भी कम मिलता है कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ों को दिखाता है गुरु। गुरु की फिंगर आपकी थोड़ी छोटी है, लाइफ में एम्बिशन का भी थोड़ा कमी देखा जाता है, तो इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए आपकी शनि की फिंगर। देखिए, शनि की फिंगर आपकी अच्छी लेंथ में है, बहुत अच्छी लेंथ में है। तो सबसे पहले देखिए, आपकी जब यहाँ पे शनि की फिंगर इतनी लंबी पहला पोर हो जाए तो ऐसे जातक निगेटिविटी थोड़ा बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आती है, तो आपके अंदर भी निगेटिविटी बहुत आती होगी। दूसरी चीज़ कि ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, ओवर डिसिप्लिन मेंटेन करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पसंद करते होंगे आप, और कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव थाट्स, अकेला रहना पसंद आता होगा, तो इस चीज़ को दिखाता है। उसके बाद सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी है, तो सूर्य की फिंगर जब अच्छी हो जाए तो मान सम्मान लाइफ में मिलते हैं ऐसे जातक को, अपने समाज में बहुत अच्छे मान सम्मान, बहुत अच्छा यश कीर्ति मिलती है ऐसे जातक को। और हल्की सी आप इस तरह से मूव की हुई है तो अब धार्मिक प्रवृत्ति को भी दिखाता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं में, मिस्ट्रिक साइंस, ज्योतिषी, जैसे पामिस्ट्री हो गया, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान होता है। उसके बाद बुध की फिंगर आपकी अच्छी है। बुध की फिंगर जब अच्छी हो, देखिए इस प्रकार से देखें तो बुध की फिंगर आपकी अच्छी है, तो बुध की फिंगर जब अच्छी हो जाए तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा आप में होगा, लोगों को अपनी बात खुल के बोलते होंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है। उसके बाद थंब, देखिए थंब की हाइट अभी आपकी अच्छी है, तो थंब की हाइट अच्छी है तो डिटर्मिनेशन पावर अच्छा रहेगा। नुकीली है तो कोई भी कार्य के प्रति जिद जुनून रहता है ऐसे जातक को, और पहला पोरवा और इससे दूसरा पोरवा काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ सोचते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट का जो जोन आपका काफ़ी बड़ा है, यानी आपके में लॉजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ज़्यादा तर्क वितर्क करना चाहते हैं, और तर्क वितर्क करने के कारण अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे। दबंग पर्सनैलिटी को भी बताता है ऐसे जातक, दबंग टाइप में भी होते हैं, थोड़ा कभी कभी देखा गया डोमिनेटिव भी होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है ये आपका अंगूठा। उसके बाद अगर आप इस तरह से देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से देखिए सेटिंग, तो सेटिंग भी आपकी थंब की अच्छी है, तो बहुत अच्छे विवेकवान होते हैं और अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रेप करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब आइए आपकी माउंट का विश्लेषण करते हैं। तो आपकी गुरु की माउंट, देखिए गुरु की माउंट पर बहुत सुंदर सा शीश का साइन बन रहा है, देखिए इस प्रकार से बन रही है ना, देखिए इस प्रकार से यदि गुरु माउंट पर शीश का साइन, और देखिए यहाँ पे हल्की सी ये मिली नहीं है बट फॉर्मेशन उसी टाइप से हो रही है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका इस तरह से वर्ग की आकृति बन रही है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से साइन हो हथेली में तो ये जातक अपने दम पे, अपने बदौलत ये लोग पैसा कमाते हैं, अपने ज्ञान से, अपने एजुकेशन से ये लोग पैसा कमाते हैं। और मस्तिष्क रेखा से आपकी निकल के इस तरह से बन रही है, तो अपने मानसिक क्षमता से, अपने मेंटली पावर से ये लोग पैसे की अर्निंग जरूर करते हैं। आपने पूछा आपका घर कब होगा, आई थिंक अपना घर तो हो जाना चाहिए अभी तक में, हो गया होगा आपका, तो अपने घर का पूरा सुख आपको है, ये तो आपको 26 के राउंड ही हो गया होगा, बट अभी तक आपने क्यों पूछा है आई डोंट नो, देखते हैं आगे कुछ मिले निगेटिव, बट यहाँ तो बहुत अच्छा साइन है।
उसके बाद आपकी हथेली में सारी खड़ी लाइनें हैं, तो एडजस्टेबल नेचर, मिलनसार नेचर, हसमुख प्रवृत्ति के ऐसे जातक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हसमुख, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लोगों को बहुत ज़्यादा भलाई करने के चक्कर में अपना नुकसान ये लोग कर लेते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा भलाई करते हैं, इस चक्कर में इनका कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें आ रही हैं इधर से, तो ये भी आपको बहुत सारे धन को ही बताता है, और मल्टीपल धन आने के सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं ना बहुत तरह के होते हैं। उसके बाद देखिए आपका सनी माउंट, ये सनी माउंट आपका फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कार्यों को लेकर डीले करना आपका नेचर में होगा कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इस चक्कर में आप थोड़ा सा कार्य को डिले कर देते हैं। और एक जो बहुत बड़ी निगेटिव साइन मुझे शनि पर्वत पे दिख रही है, देखिए ये तो पॉजिटिव साइन है, ये आपको पैसे देगा, ठीक है ये भी आपको पैसे देगा, बट ये लाइन अगर इस तरह से फिंगर पे चढ़ जाए तो ये बहुत ही निगेटिव साइन होती है, ऐसे जातक में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा होता है और कभी कभी बहुत बड़े लॉसेज को भी इंडिकेट करता है, ठीक है, बिजनेस लॉस में, बिजनेस वगैरह में। ये एज हो गया आपको अगर यहाँ से जीवन रेखा से देखें तो 35 के राउंड का एज हो गया, तो बहुत बड़े लॉसेज को भी दिखाता है। तो अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया है तो आप इसे रिकवर कीजिए, रिकवर तो कर ही जाएंगे क्योंकि जीवन रेखा आपकी अच्छी है। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए, शनिवार की काले चीज़ों का दान कीजिए आप, तो इन निगेटिविटी से आप निकल पाएंगे। चप्पलों का दान कीजिए, जो भी स्लीपर वगैरह आप पहनते हैं उस स्लीपर को शनिवार के दिन दान कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये साइन थोड़ा निगेटिव दिखा रहा है। उसके बाद सूर्य माउंट, देखिए सूर्य माउंट भी उभरा हुआ नहीं है बट इस पर साइन अच्छी है, बट ये उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं, कहा जाए तो आपके पूरे हथेली में सारे पर्वत उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, सब नॉर्मल है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, स्पेस अच्छा है आपका। देखिए यहाँ पे सूर्य पर्वत पे देखिए इस तरह से स्क्वायर का साइन है, तो ये स्क्वायर का साइन भी बहुत अच्छा बोला जाता है, स्क्वायर का साइन, ये स्क्वायर का साइन आपको देश विदेश में, तो आपने पूछा है ना फॉरेन अब्रॉड वगैरह जाने के और वहाँ से पैसे आने के प्रबल योग आपके हथेली में है, क्योंकि ये रेखाएं भी यश की रेखाएं होती है जो कि आपको यश कीर्ति मान सम्मान ही देगी, बेसिक नॉलेज भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। पहले पॉजिटिव साइन में बता देती हूँ, ट्राइंगल भी है हथेली में, तो ये सब फॉरेन से आने वाले पैसे को ही बताता है, अब्रॉड से आने वाले पैसे को ही बताता है, बट क्या है ना ये क्रॉस भी तगड़ा वाला क्रॉस है आपके हथेली में, ठीक है, जब इतना बड़ा क्रॉस हो तो लोगों का नाम बदनाम आसानी से किया जा सकता है, एलिगेशन आसानी से लगाया जा सकता है, किसी भी बड़े पोस्ट पे आप हैं तो वहाँ से आपको हटाने का संभावना हो सकता है, लेकिन मे भी आप बच भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बर्फ का साइन है, यहाँ पे इस तरह से साइन है, तो ये एलिगेशन आप पे मिट भी सकता है, बट आपको इसका रेमेडीज करना होगा। रेमेडीज के तौर पे आप सूर्य को जल दीजिए हल्दी डाल के, हल्दी डाल के इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपका ये भी स्ट्रांग होगा, आपका गुरु भी स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो आपको सूर्य को जल देना है, हल्दी डाल के देना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, तो ये पाठ आपका स्ट्रांग होगा। उसके बाद बुध आपका काफी अच्छा है, बुध पे एक सिंगल लाइन है और इस प्रकार से आई हुई है, तो बहुत ही क्लेवर, बहुत ही कन्विंसिंग, बहुत ही मार्केटिंग स्किल अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बोलने की कला अद्भुत होती है इन लोगों में, बहुत अच्छा साइन है ये, और एकदम साफ सुथरी आपकी बुध माउंट है, तो ये बहुत ही अच्छी साइन बोली गई है। उसके बाद मंगल देखिए, बाहरी मंगल भी काफ़ी स्ट्रांग, अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, कोई इस पर निगेटिव साइन उस प्रकार से नहीं है, इस तरह से देखा जाए तो एक शुभ का साइन भी बन रहा है जो कि बहुत ही मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बनाता है, भूमि वाहन घर का कोई कमी आपको होगा ही नहीं, इन चीज़ों को बताता है और फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहते हैं ऐसे जाता है। चंद्र पर्वत देखिए, चंद्र पर्वत पे ये तिल अगर अभी आया है तो नुकसान है, अगर बचपन से है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बट अभी अभी आया है तो ये आपको मानसिक तनाव देगा, दाम्पत्य सुख में कमी को दिखाता है थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं तनाव देता है। उसके बाद इतने सारे रेखाएं हैं तो ये आपको देश विदेश की यात्रा ही कराएगी, और चंद्र पर्वत से आके भाग्य रेखा इस तरह से टच करें तो मैं 100% आपको बोलूँगी कि विदेश से आने वाले पैसे के लाभ को बताता है, किसी ना किसी रूप से आपके घर में विदेश का पैसा जरूर आएगा या फिर आता होगा, क्या इन चीज़ों को दिखाता है, बट सेटलमेंट का अभी कोई प्रबल योग दिख नहीं रहा है आपके हथेली में। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो पब्लिक सपोर्ट वाले बिजनेस जो भी कीजिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कीजिए, लिक्विड संबंधी बिजनेस कीजिए, फूड का बिजनेस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इस तरह से फिशनुमा कीर्ति बन रही है जो कि सिक्स सेंस एक्टिव करता है, इंस्टेंट धन लाभ को बताता है, फॉरेन से होने वाले धन लाभ को बताता है, और बहुत ही ज़्यादा सिक्स सेंस ऐसे जातक का एक्टिव होता है पूर्वानुमान, तो मंगल का बल और गुरु का बुद्धि भी आप में बहुत अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है,
स्पेस काफ़ी अच्छा लिए हुए है और अच्छा भी है। तो ऐसे ज़्यादा खुद भी बहुत वेल मेंटेन में रहना पसंद करते हैं और सुंदर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, एक तरह से सुंदर चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, सुंदरता इन्हें बहुत पसंद आता है, खुद भी लग्जरियस लाइफ जीना भी पसंद करते हैं ये लोग, इनके लाइफ पार्टनर भी काफ़ी अच्छे और सपोर्टिंग होते हैं। और देखिए लाइन जो है ना बिल्कुल क्लियर लाइन है, इस तरह से लाइनें हैं, कोई कटफट नहीं है। हाँ यहाँ पे इस तरह से क्रॉस नुमा आकृति जरूर बन रही है, तो यहाँ पे भी क्रॉस है और यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये क्रॉस आपको नुकसान नहीं देगा क्योंकि दोनों पे क्रॉस हो जाए तो ये क्रॉस आपको नुकसान नहीं देता है, ये आपको फायदा ही देता है, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा ही होता है। इसे हम लोग स्टार नहीं कह सकते हैं, लग रही है मुझे स्टार की तरह, बन तो रही है स्टार ही नुमा आकृति, बट अगर स्टार भी है तो इसका मतलब भी तो अच्छा होता है ना, शुक्र काफी अच्छा होता है। ऐसे जातक का आपने पूछा है ना कि आपको बिजनेस कौन सा करना, तो डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं। ग्लैमर की दुनिया में जरूरी नहीं कि आप मॉडल ही हो या फिर कोई फिल्म अभिनेता ही हो, उसमें भी बहुत सारे कार्य होते हैं बॉलीवुड वगैरह का, तो उस कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, लाइक कपड़ों का हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, इन सभी चीज़ों में काफ़ी सफलता मिलती है। तो शुक्र भी आपका काफी अच्छा है, राहु भी बहुत अच्छा है। चलिए अब आपकी रेखाओं का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपके हार्ट लाइन जो कि आपके शनि और गुरु के माउंट के बीच से निकली हुई है, जब शनि और जुपिटर के बीच से आपकी हार्ट लाइन निकले तो ऐसे जातक में शनि का आदर्श, शनि का स्वार्थ और गुरु का आदर्श भी होता है, बहुत ही इमोशनली अच्छे हैं आप, लेकिन आपके लिए नीडेड चीज़ें सबसे पहले, जरूरी की चीज़ें जो होती है वो मैंने रखती है, उसके बाद कोई और चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 के अराउंड आपको कुछ ना कुछ थोड़ा इमोशनली प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा, उसके बाद फिर सही जा रहा है, उसके बाद क्या है ना आपका हार्ट लाइन यहाँ से आके एक माइंड लाइन को यूँ टच कर गई है। देखिए यदि इस तरह से लाइनें टच कर जाए तो एक तो जातक में जुनूनी प्रवृत्ति आ जाती, कोई चीज़ पाने के प्रति जिद, ठीक है, और कभी कभी दिमाग और दिल में ये लोग फैसला नहीं कर पाते हैं कि मुझे दिल का सुनना है कि दिमाग का सुनना है। मेरे हिसाब से आप अपने दिमाग का सुने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इमोशनल इंसान आप थोड़ा है, तो दिमाग का ज़्यादा सुने, और तो इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेखाएं हल्की सी द्वीप नुमा आकृति या मोटी हो गई है, 56 के अराउंड आपको थोड़ा हार्ट वगैरह का चेकअप कराते रहना है। उसके बाद देखिए इतना सारे लाइनें हो तो अपने माता पिता का सेवा करने वाले, अपने परिवार के सेवा करने वाले जातक होते हैं, परिवार के पास रहने वाले जातक होते हैं। उसके बाद माइंड लाइन देखें तो आपका बिल्कुल आपके लाइफ लाइन से टच करके निकली हुई है, तो बहुत अच्छी माइंड लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के बारे में बहुत वरिड रहते हैं, बहुत सोचते हैं, यहाँ पे एक द्वीप नुमा आकृति बन गई है, ये हो गई आपकी 30 के राउंड में, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हुआ होगा। उसके बाद फिर रेखाएं बिल्कुल मूव करके अच्छे से गई हुई है, कोई दिक्कत उसके बाद नहीं। उसके बाद आप रिकवर करके बहुत अच्छे इमेजिनेशन पावर आप में होगा, डीप थिंकर होंगे, गुड थिंकर होंगे, कुछ अच्छा लिख लेते होंगे, कुछ अच्छा गा लेते होंगे, क्रिएटिव टैलेंट जरूर होगा आप में, और एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होंगे, सोच समझ के ही बोलते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा आपका। उसके बाद रेखाएँ देखें तो आपका जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा आपका 25 तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, उतनी क्लियर कट लाइनें नहीं है। उसके बाद फिर यह मोटी रेखाएं हैं तो फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा, अच्छी मतलब होगी, चौड़ी मोटी रेखाएं हैं ना तो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। उसके बाद ये हो गया आपको 45 के एज, उसके बाद देखिए इस तरह से रेखाएं जा रही है और ये बिल्कुल इधर को जा रही है, तो ये 50 के अराउंड का एज आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको फॉरेन से आने वाले पैसे को भी बताता है, हो सकता है फॉरेन जाने आने का योग है, बट सेटलमेंट का योग इसलिए मैं नहीं बोल रही क्योंकि रेखाएं आपकी बिल्कुल शुक्र माउंट की ओर इतना मूव कर गया है, तो ये हमेशा परिवार के पास ही रहना पसंद करते हैं, अपने जन्मभूमि से जुड़ के ही रहना पसंद करते हैं और रहते हैं। उसके बाद आपका भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर शीश का साइन का निर्माण करके चली है, बचपन से भाग का साथ अच्छा मिला है, लेकिन ये रेखाएं अगर इतनी ज़्यादा देखिए इस प्रकार से चढ़ के इस तरह से चली जाए तो इसे हम लोग शुभ नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इतना अच्छा भाग्य रेखा अच्छा नहीं बोला गया है। भाग्य का साथ तो मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं जातक अपनी गलती से अपने कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि सारे पैसे का नुकसान हो जाता है, बहुत बड़े नुकसान को इंडिकेट करता है, और अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा और हताश हो जाते हैं, बहुत निगेटिव थिंकर हो जाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे निगेटिव। आपका सन लाइन देखिए यहाँ से निकला हुआ है ना भाग्य रेखा, तो इंस्टेंट धन लाभ को भी ये बताती है, ठीक है, और इस तरह से बनाई है क्रॉस, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके लाइफ में सक्सेस, देखिए बड़े लेवल का सक्सेस तो आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जो कि ये सारे नुकसान हो गए, ये मुझे बहुत बड़ा वाला नुकसान दिख रहा है, ठीक है, बाकी आपका नेम फेम वगैरह सब अच्छा है, ठीक है, तो आप सूर्य को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए,
तो आपका ये भी परेशानी दूर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो एक मनी ट्रायंगल, सुंदर सा मनी ट्रायंगल, सुंदर, बहुत सुंदर मनी ट्रायंगल तो बिजनेस से होने वाले बहुत अच्छे लाभ को बताता है। यानी कि आपके हथेली में शुक्र भी अच्छा है और बुध भी बहुत अच्छा है। तो जितना भी ग्लैमर की दुनिया जो होती है ना, कपड़ों का हो गया, डायमंड का हो गया, जितना भी हाई फाई जैसे होता है ना, लग्जरियस लाइफ, इन चीज़ों का आप बिजनेस करें तो आपके लिए काफ़ी सक्सेस होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी आप कर सकते हैं। विदेशों से आने वाले पैसे बहुत प्रबल योग है आपके हथेली में, तो इनका भी कर सकते हैं। इंस्टेंट धन लाभ का भी बहुत अच्छा योग है, इसका भी आप बिजनेस कर सकते हैं शेयर मार्केटिंग वगैरह में। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई रेखाएँ, कोई लाइन्स रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।